चाणक्य की जीवनी। आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने संपत्ति, अर्थशास्त्र और भौतिक सफलता के संबंध में उस समय के लगभग हर पहलू को लिखा था। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विकास के लिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का विद्वान और अग्रणी माना जाता है। आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई हमारा जीवन सफल हो सकता है। आइए जानते हैं महान विद्वान चाणक्य के जीवन के बारे में, उनकी महानता, उनके संघर्षों के बारे में कि वे कैसे गरीबी को पार कर इतने प्रखर विद्वान बने, इसके साथ ही उनके अनमोल विचारों के बारे में भी। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। ऐसे महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, फिर भी उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चाणक्य बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजसी ठाट होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। कौटिल्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा। महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और एक होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने में गहन रुचि थी। वही कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। यह भी माना जाता है कि वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। इसके अलावा उन्हें वेदों और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के फर्स्ट शिक्षक बन गए। वे घटनाएं जिन्होंने चाणक्य का जीवन ही बदल दिया। चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वे एक महान शिक्षक भी थे। अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति सातवें आसमान पर थी, लेकिन इस दौरान ऐसी दो घटनाएं घटी कि आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। पहली घटना, भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तात्कालिक छोटे राज्यों की हार। दूसरी घटना, मगध के शासक द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। ऊपर लिखी गई ये दो घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों के पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया और वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। आपको बता दें कि
जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। ये उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट अम्बी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया, जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य के ऊपर ही नजर थी, जिसको देखते हुए देशहित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए। लेकिन भोग विलास एवं शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनसे कहा कि तुम एक साधारण शिक्षक हो, मुझे उपदेश मत देना, पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त का गहरा संबंध है। चाणक्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के महामंत्री थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित करने में उनकी मदद की थी। दरअसल नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को सार्थक करने के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। चाणक्य ने अपने विलक्षण ज्ञान से चंद्रगुप्त को अप्राविधिक विषयों और व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की शिक्षा दी। चाणक्य की नीतियों से नंद साम्राज्य का पतन और मौर्य साम्राज्य का स्थापना। शक्तिशाली और घमंड में चूर नंद वंश का राजा धनानंद अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था, जिसने यशस्वी और महान दार्शनिक चाणक्य का अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंद वंश का पतन किया था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के पतन के मकसद को लेकर कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ गठबंधन बनाए थे। आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा से भरे एक बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बुद्धियों से नंदा वंश का पतन किया और जीत हासिल की थी। वही नंदा साम्राज्य के आखिरी शासक की हार के बाद नंदा साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने राजनीतिक सलाहकार बनकर अपनी सेवाएं दी। चाणक्य की मौर्य साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका। चाणक्य के मार्गदर्शन से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गांधार में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े। बुद्धिमान और निर्मम चाणक्य ने अपनी महान नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की नीतियों से मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक किया गया। बाद में मौर्य साम्राज्य ने पंजाब पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया। अनेक विषयों के जानकार और महान विद्वान चाणक्य ने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें भारत के उस समय तक की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या
समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई है। ये ग्रंथ चाणक्य ने इसलिए लिखा था ताकि राज्य के शासकों को इस बात की जानकारी हो सके कि युद्ध, अकाल और महामारी के समय राज्य का प्रबंध कैसे किया जाए। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के भोजन में जहर की छोटी खुराक को मिलाते थे, जिससे मौर्य वंश के सम्राट की दुश्मनों द्वारा संभावित जहरीले प्रयासों के खिलाफ मजबूती बन सके और वे अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वही इस बात की जानकारी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना खाना अपनी गर्भवती रानी रुद्रा को खिला दिया। उस समय रानी के गर्भ के आखिरी दिन चल रहे थे, वे कुछ दिन बाद ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन रानी द्वारा खाए गए भोजन में जहर ने जैसे ही काम करना शुरू किया, वैसे ही रानी बेहोश हो गई और थोड़े समय बाद ही उनकी मौत हो गई। जब इस बात की जानकारी चाणक्य को हुई तो उन्होंने रानी को गर्भ में पल रहे नवजात बच्चे को बचाने के लिए अपनी बुद्धिमान नीति का इस्तेमाल कर पेट काटकर बच्चे को निकाला। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया, जिसे बड़ा होने पर मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाया गया। वही चाणक्य ने कुछ सालों बाद बिंदुसार के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। चाणक्य की मृत्यु 275 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्यों से घिरी हुई है। ये तो स्पष्ट है कि महान दार्शनिक और विद्वान चाणक्य ने अपना लंबा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक वे जंगल में खाना पीना त्याग कर अपना शरीर त्याग दिया था। जबकि अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासन काल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से महान विद्वान चाणक्य की मौत हो गई थी। निष्कर्ष: चाणक्य एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे। हमारी आधुनिक दुनिया की तुलना में बहुत अलग समय और संस्कृति में रहते थे। हालांकि उनकी कई शिक्षाएं और सिद्धांत अभी भी आधुनिक जीवन में लागू किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर चाणक्य की शिक्षाएं इस बात पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि आधुनिक दुनिया में एक सफल और पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। आत्म अनुशासन, राजनीतिक सोच, अखंडता और शिक्षा का अभ्यास करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।